हेलो एवरीवन, त्योहारों में सिर्फ मिठाई का होना ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ चाहिए होती है नमकीन, है ना। नमकीन की भी अपनी ही है अहमियत, तो आज हम बनाएंगे वही पुरानी नमकीन लेकिन बिल्कुल ही अलग अंदाज में, और सबसे बड़ी बात बिना मेहनत के। त्योहारों के इस भागम भाग में जहां कई सारे हैं काम, तो बहुत ही आसानी से बनाएंगे हम ये नमकीन। आज है छुट्टी का दिन और मैं फटाफट से इस नमकीन को बना रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है मार्केट। तो सोचिए कितनी जल्दी ये हमारी ये नमकीन बनके होगी तैयार। सबसे पहले इसके लिए हम कर लेंगे तैयारी। मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैदा। अगर आप चाहें, आपको मैदे की नहीं बनानी, प्योर हेल्दी बनाना है, तो आप मैदे की जगह गेहूँ के आटे को ले सकते हैं, या आधा आधा आप मैदा भी ले लें, साथ में गेहूं के आटे को भी ले लें। मैदे को चाल लिया और चार कटोरी मैंने ली हुई है इस बड़े वाले स्पून से मैदा, तो एक हिस्सा मैं ले रही हूं सूजी का, रवा का महीन वाली। अगर मोटी वाली है तो उसे आप हल्की सी मिक्सी कर लें। आप अगर चाहें तो प्योर गेहूं के आटे या गेहूं के आटे और मैदे दोनों को मिलाकर फिर भी बहुत ही करारी और क्रिस्पी बनती है, सूजी जरूर ही डालें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से अपने वो बेसिक मसाले, जिससे इसमें आएगा बहुत ही ज़्यादा जायका। सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन, एक छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन, साथ में नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, हींग अगर खाते हैं तो ज़रूर ही डालें हींग को। अब इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, ब्लैक पेपर कुटी हुई है, बिल्कुल अच्छा साइज का पाउडर बना के एक छोटा चम्मच उसे भी आप डाल दें। साथ में कसूरी मेथी एक चम्मच, इसे भी हाथों से क्रश करके, और दूसरी आपकी कितनी क्वांटिटी है। मेरी यहाँ पे सब मिला के बड़ी वाली कटोरी से देखें तो चार कटोरियाँ हो गई हैं। इसमें एक एक चम्मच मैं डाल रही हूँ। पहले इसे अच्छे से हाथों से हम मिला देंगे सूखे ही, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मोयम। मोयम के लिए अगर आप इसमें घी डालें, इसका स्वाद और कुरकुरापन, खस्ता बहुत ही अच्छी बनती है। तो सिर्फ दो चम्मच आपको डालने होंगे घी के। आप घी को डाल दें और उसे हल्का सा गर्म कर लें। मोयम से घी का डाला हुआ बहुत ही टेस्टी हमारी ये नमकीन बनके होती है तैयार। मेरे घी के बर्तन में बिल्कुल आखिर में ज़रा सा लगा हुआ है, इसे भी मैं गर्म करके डाल दे रही हूँ। एक बूंद भी घी बेकार ना जाए, इसी में आटे को डालकर पूरा निकाल लिया। और अब मोयम को मिक्स करने के लिए थोड़ी देर तक आप इसे अच्छे से दोनों हथेलियों से मिलाते जाएं। मोयम को मिक्स करने में कहीं भी कोई थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम भी लगे तो ज़रूर ही दें, उसे अच्छे से मिक्स करें। और जब तक ये हाथों में अच्छे से इसकी ऐसी मुट्ठी बनने लगे, मुट्ठियों में लेके देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बनने लगी, मुट्ठी बन जा रही है। मोयम देने के लिए एक हथेली के ऊपर हाथों को रखते जाएं और दूसरे हाथों से प्रेस करते जाएं। सबसे सही और सटीक तरीका होता है ये मोयम को मिक्स करने का, जिससे आपके पूरे आटे में तेल का या घी का एक एक बूंद पहुंच जाता है। अब आप लीजिए रूम टेम्परेचर का पानी, ना आपको पानी गर्म लेना है ना ही पानी आपको बिल्कुल ठंडी लेनी है। रूम टेम्परेचर का पानी लेके और बिल्कुल जरा जरा सा पानी को डालकर आप पानी के सिर्फ छींटों को डालते जाएं, और जितना टाइट डो आप तैयार कर सकते हैं उतना टाइट डो आप तैयार करें। जैसे पहले या अभी भी हम आटे को ऐसे गूंथते हैं, डो तैयार करते हैं, ऐसे ही आप करें। थोड़ी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल सख्त टाइट आटा इसका बना के आप तैयार करें। इसे ढककर सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें, सूजी अच्छे से सेट हो जाएगी, फूल जाएगी। अब दोनों काम मैं करूंगी एक साथ। एक तरफ बैठा दिया कढ़ाई में तेल, फ्लेम को कर दी है थोड़ी सी कम, बिल्कुल हाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि जब तक तेल गर्म होगा यहाँ पे हम अपनी नमकीन को एक अच्छा सा आकार दे देंगे, शेप दे देंगे। उठा लीजिए कैंची, चकला नहीं बेलन नहीं, कैंची को उठा के, तेल अभी अच्छे से गर्म हुई नहीं है, और कैंची से ही इसे हम कट करेंगे। इसे आप लंबा सा या गोल सा आकार देके और कैंची से सिंपली, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे कट करते जाएं घुमा घुमा कर। बहुत ही अच्छी, दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और आसानी भी उतनी ही रहती है। प्लेटफॉर्म पर चाहें तो आप डाल कर भी, या फिर
वो जो चकला हमारा आता है उसके ऊपर भी रख के बेल के जैसी आपको हो सहूलियत। आज मैं कैची से ही काम चला रही हूँ क्योंकि फटाफट से मुझे ये बनानी है, बहुत ही जल्दी ये बनती जाती है। तेल इधर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका, एक कुप डालकर पहले मैं चेक कर लेती हूँ, बुलबुले आने लगे, तेल गर्म है। अब इसी में मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया हुआ है, मैं रिफाइंड का यूज़ नहीं ही करती हूँ, सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं उसमें डालकर इसे पहले डाल दें मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद फ्लेम को मीडियम से भी थोड़ा सा कर दें कम। नमकीन, इन सारी चीज़ों को जिसे हमें बिल्कुल करारी और क्रिस्पी बनानी होती है, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई करके हमें इसे नहीं तलना है। फ्लेम को कर दें आप लो टू मीडियम, मीडियम से भी हल्की सी रखें कम, और इसे सुनहरी होने से जरा सी पहले, बीच में उलटते पुलटते जरूर ही रहे इन नमकीन को, क्योंकि ये जब हम इसे अच्छे से उलटेंगे, इसे उलटते पुलटते रहेंगे, तभी ये हर तरफ से अच्छे से सिकेगी। नहीं तो कुछ नमकीन होते हैं जो एक तरफ से तो बहुत अच्छे से सिक जाते हैं, कहीं कहीं वो उतने अच्छे से नहीं सिक पाते। तो आपको इन्हें इक्वली सिकना है, तो इसे बीच बीच में आप उलटते पुलटते रहें। और लीजिए, करारी सी कुरकुरी सी हमारी नमकीन बनके हो गई है तैयार फटाफट। नमकीन यहाँ पे तला और खाने वाले आ रहे हैं। सबसे पहले मेरा बेटा अर्जुन, उसे ये नमकीन मैदे की बहुत ही है पसंद। मेरे पति देव कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, आज चूंकि छुट्टी है मैंने उसे बुलाया हुआ है, थोड़ी मेरी रिकॉर्डिंग कर दो, तो मुझे आगे पीछे कराए जा रहे हैं। चलो जी करा लो, कोई बात नहीं, नमकीन तो मेरी बन करके हो गई है तैयार। अर्जुन आ गया इसे खाने के लिए, उसे मैं दे दूँ कटोरियों में, और बस आप भी जरूर ही बनाएं और देखें कितनी स्वादिष्ट, कितनी करारी नमकीन बनके होती है तैयार। फिर मिलते हैं, बाय बाय।